भिलाई कुर्सी पर जोन 3 शिव मंदिर में गणेश मूर्ति को खंडित किए जाने के मामले में आरोपी के गिरफ्तारी के बाद भाजपा पार्षदों व स्थानीय नागरिकों ने कुर्सी पर थाने का घेराव किया और आरोपी के खिलाफ देशद्रोह की धारा दर्ज कराते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की। भिलाई के खुर्सी पर जोन 3 शिव मंदिर में स्थापित गणेश जी की मूर्ति को खंडित करने वाले आरोपी को खुर्सी पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नशे का आदि है और नशे की हालत में ही उसने इस घटना को अंजाम दिया था। आरोपी के पकड़े जाने की सूचना मिलते ही खुर्सीपार क्षेत्र के भाजपा पार्षद दया सिंह सहित अन्य पार्षद और बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन खुर्सीपार थाना पहुंच गए, जिससे खुर्सीपार थाने का माहौल गर्म हो गया। हिंदूवादी संगठन आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग करते रहे। यही वजह रही कि घंटों तक खुर्सीपार थाना में माहौल गर्म रहा। लोगों की मांग और आरोपी की करतूत को देखते हुए इस मामले में पुलिस ने एक और धारा आरोपी के खिलाफ जोड़ दी है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला आज भिलाई खुर्सी पर जोन क्रमांक 3 के सामने आया, जब प्राचीन शिव मंदिर में स्थापित श्री गणेश की प्रतिमा खंडित मिली थी। इस घटना की सूचना प्राप्त होते ही बड़ी संख्या में भाजपा और हिंदूवादी संगठन के लोग एकत्रित हो गए और मंदिर के समक्ष नारेबाजी कर प्रदर्शन किया था। हिंदूवादी संगठनों के प्रदर्शन के बाद पुलिस ने यह दावा किया था कि आज शाम तक आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके बाद पुलिस ने अपना दावा पूरा कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर उसे जेल भेज दिया है। मांग क्या है, एक धारा लगा के उनको जेल भेज दिए है ये, लेकिन हमने क्या बोलते है दूसरी धारा की बात की है कि वो भी लगे, राष्ट्रद्रोह भी लगे। इस बात को रख के हमने CSP साहब से बात किया है और उन्होंने पूरा आश्वस्त किया कि जो जो धारे विधि के अनुकूल लगेगा वो सब धारा हम लगाएंगे और उनके परिवार से भी पूछताछ करेंगे इसमें किसका क्या षड्यंत्र है और बाहर से किस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं, उस सब चीज़ों की जांच की जाएगी। हमने गिरफ्तारी की मांग की थी सवेरे जो घटना की लेके, तो उसको पुलिस ने हमने दबाव रखा तो उन्होंने कार्रवाई की और जो अपराधी था उसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद यहाँ से जेल भेज दिया। तो उसको 295 केस लगाया है, तो 295A लगेगा, 295(3)A लगेगा और 295(3) लगेगा। अब हम लोग को आश्वासन देने के बाद अभी उन्होंने धारा बढ़ाया है। खुर्सी पार के अंदर गणेश मंदिर में गणेश की प्रतिमा को खंडित किया गया था, इस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया, विवेचना की गई, मुखबिर लगाया गया, इस पर आरोपी को आइडेंटिफाई किया गया, इस संबंध में प्रमाण इकट्ठे किए गए और आरोपी का रिमांड लिया गया, आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इसमें मोहम्मद असलम नाम के आरोपी का नाम आ रहा है और इस संबंध में जो इस प्रकार का माहौल बना रहे हैं उनसे पूछा जाए कि वो क्यों इस प्रकार माहौल बना रहे हैं, क्योंकि विवेचना निष्पक्ष ढंग से और बहरे गहराई से हो रही है। ठीक है ना,